झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब परिणामों का इंतजार है। झारखंड की गद्दी किसे मिलेगी, इसका खुलासा 23 दिसंबर को होगा, लेकिन उससे पहले ही सीएम कौन बनेगा, पार्टियां मानो इसका फैसला कर चुकी हैं। जेएमएम जहां अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। इन सब के बीच जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईसी से मतगणना में पूर्ण पारदर्शिता और सरकारी प्रभाव मुक्त संपन्न करवाने की मांग की है। जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव खत्म हो चुका है, अब क्या लग रहा है आपको? जो अब लगना क्या है, अब हम लोग फुर्सत हो गए हैं या लिट्टी चोखा खा रहे हैं? और लोगों से मिलजुल रहे हैं, 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है कि सर बदलाव का जो लहर है राज्य में और संथाल में? मानते हैं ना लहर था बदलाव, सभी लोग यही पूछ रहे हैं बदलाव की लहर, इसका मतलब था। अब लोगों ने अपने मतों का उपयोग कर दिया, मतदाता मतपेटियों में अपनी बातें रख चुके हैं, 23 तारीख को इंतजार कीजिए, इस बदलाव की ओर लोगों ने संकेत दिया। कितना उम्मीद करते हैं विधानसभा? महागठबंधन को पूरा उम्मीद है कि संथाल प्रगाना से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। लेकिन बीजेपी कहती रही कि 18 में से 18 विधानसभा सीटों पे हमारा, अपना दही खट्टा कौन बोलता है? अभी जो एक्सिट पोल आ रहा है उसमें 37 सीटों बीजेपी को दिखाया जा रहा है और जेएमएम को 19 सीटें दिखाई जा रही है। क्या लगता है बहुत गलत जो भी कर रहा हो, बहुत गलत कर रहा है, उनको तो 65 बताना चाहिए, अभी 35-36 पर ही कटे गए, कहाँ जो कर रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं, भाजपा के साथ बहुत गलत हो रहा है सर। एक्सिट पोल पे भरोसा नहीं है जो भी कर रहा है, भाजपा को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, उसको पैसे पार करके दिखाना चाहिए, 70 पार दिखाना। एक क्वेश्चन ये भी है सर कि सीए और कैप पर जो है काफी बवाल मचा हुआ है। बवाल मचा हुआ है तो बवाल मचाने वाला काम भाजपा करती है तो बवाल तो मचेगा। अब देश में इमरजेंसी की हालत हुई पड़ी है, पूरे राज्य में, कभी दिल्ली में, कभी आसाम में, कभी त्रिपुरा में, कभी आगरा में, कहाँ कहाँ, कभी नेट सर्विस बंद होते हुए दिखाई देगा, कभी अनाजों का सप्लाई बंद होने लगेगा, कहीं कुछ स्थिति बद से बदतर धीरे धीरे देश के अंदर में आग लग रही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। बीजेपी प्रदेश महासचिव दीपक प्रसाद ने भी बीजेपी की जीत का दावा ठोका है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने बलबूते पर रघुवर दास के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। दीपक प्रकाश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पांचवें चरण के चुनाव खत्म होने के बाद मतदाताओं का रुझान स्थिर, मजबूत और निर्णय लेने वाली सरकार के साथ है। जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सवाल है, दोनों के नेता मिले हो, मंच साझा भी किए हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता भीतर घात कर रहे थे। हमारे पास गए ऐसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जहाँ पर थे, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड। दल का मिलना अलग है, दिलों का मिलना अलग है। दल जरूर मिले थे लेकिन दिल उन लोगों का आपस में नहीं मिला था, इसलिए उनके जो लोग थे दूसरे दल के लोग हमारे लिए काम करते। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी थी, सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी थी, सभी पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी थी, सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी थी, सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी थी, जबकि अन्य दल किसी एक भाग में, किसी कोई दूसरा भाग में, कोई तीसरा भाग में, कोई चौथा भाग में। इससे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने के लिए किसी में, किसी अन्य राजनीतिक दल में सक्षमता नहीं है। इसलिए यहाँ की जनता ने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में पुनः देखना चाहते हैं। पांचवें चरण के चुनाव होने के बाद जो पार्टी के सूत्र हैं, हमारे सूत्र हैं, उससे साफ मतदाताओं का जो झुकाव है
वह झुकाव एक स्थिर सरकार बनाने की ओर है, एक मजबूत सरकार बनाने की ओर है, एक निर्णय लेने वाली सरकार की बनाना चाहते हैं। उधर विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद एक बार फिर से आदिवासी और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का मुद्दा उठ रहा है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने हेमंत सोरेन को सर्वमान्य नेता मानते हुए गठबंधन का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। अभी तक जो आप लोगों के तरफ से जितने भी मुख्यमंत्री बने सभी आदिवासी बने, क्या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का कोई प्रस्ताव आप लोग के इसमें है? देखिए आप लोग आदिवासी गैर आदिवासी में फर्क मत कीजिए, हमारे दल ने और हमारी गठबंधन ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी को अपना नेता माना है और वो स्वाभाविक रूप से हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो 25 दिसंबर का बड़ा दिन होगा वो बड़ा दिन पूरे राज्य के लिए होगा और उसी दिन तय हो जाएगा कि अगला शपथ ग्रहण समारोह कहां पर, किस जगह पर और कितने बजे। जब जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होता है तब तब आदिवासी या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा गरमाने लगता है, इसमें भी यह मुद्दा चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार रघुवर दास के रूप में भले ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया हो लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक ऐसा नहीं किया है और इस बार भी वह आदिवासी यानी शिव हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है। हालांकि वह कहता है कि गठबंधन के ये स्वाभाविक नेता हैं भले ही कांग्रेस में गैर आदिवासी नेता भी रहे हों। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।